राजकीय रेलवे पुलिस के आईजी विजय प्रकाश ने शुक्रवार को जीआरपी कार्यालय पुलिस लाइन तथा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के थाना का रूटीन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसबी रेलवे पुष्पांजलि देवी, सीओ जीआरपी श्री प्रकाश राय, थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जीआरपी के आईजी विजय प्रकाश ने जीआरपी मुख्यालय के कार्यालय का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई की व्यवस्था से अवगत होते हुए उसके बाद आईजी विजय प्रकाश रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने पर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने थाने के शास्त्रगार, मालखाना, बंदीगृह सहित अन्य स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी के आईजी विजय प्रकाश ने बताया कि कुछ कमियां मिली हैं जिसको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जीआरपी द्वारा जहरखुरानी और अपराध पर अंकुश लगाया गया है, जो सराहनीय है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी विजय प्रकाश ने कहा, रिमाइंडर डायरी है इन लोगों की? जी भी लगा रखी है, बंदी अच्छा गंदी है काफी। अरे तो सफाई तो होनी चाहिए, पौष्टिक चीज़ें लगाएगा सर, सफाई तो करा दो। इंस्पेक्शन से पहले साफ सूफ हो जाता तो धूल खेल रहा है। ये किसकी है? प्रधान लिपिक ने भी खराब कर रखा है। अगर वो सड़क है अपूर तो उसको तोड़ ही देता, या बीच बना रहा है उसका मीडिया सेल तो कुछ नहीं करता, और देखो वो भी ठीक नहीं रखा हुआ है। 22 साल 5 साल इसमें ये लिखा ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चला। और जीपीएस स्वीकृति शुदा प्रार्थना पत्र कब तक रखते हैं? उसकी जरूरत क्या है रखने की, जब एक बार स्वीकृत हो गया आपने चढ़ा दिया जीपीएस का पता? क्या है तिजोरी? क्या करते थे इसमें? कंप्यूटर लाइन में सर सबसे पहले चेक किया करते थे, किया करते थे सर फ्राइडे परेड में। हाँ ये बनवाया वैसे तो सीओ का ऑफिस वही होना चाहिए लगता है, गोरखपुर स्टेशन में नहीं, स्टेशन पर ही है। स्टेशन पर वो मिल गए सीओ साहब कहाँ हैं सर? कुछ उसमें से उठा लेते हैं, कुछ उसमें से उठा लेते हैं। ये जरा काउंट कराइए, ये 9 MM की है, इनको काउंट कराओ सर। ठीक है, और इसमें गन पिस्टल ये वालों कौन सी है? Thank you.
चलाइए किसी ने जिसने फायर किया सुबह छुड़ा दो तारीख नहीं हुई ना फिर इसमें चलाना नहीं है और इसका खोलना और वो सब चलाने को चला दिया जाएगा सर जगह जगह तक काम करने के कोई किसी ने चलाया ये पूछो सर छप्पन खुला हुआ है खोलो ये तो यही वाला है तो 5.56 है जी एक राइफल होगा नहीं ये जी और ये एक पिस्टल होगा एक सब इंस्पेक्टर को बुलाइए आइए 40 नंबर उमा शंकर वहाँ भी था नहीं नहीं और एक ये किसी कांस्टेबल को दीजिए जो ये यूज़ कर दोनों पीछे खड़े होकर वहां से शुरू करिए चलिए मेरे लिए आदेश क्या होता है जिला पुलिस से पूछ लेना उनको बुलवा लो इसको दिखवा लो साफ करवा लो क्या है क्या नहीं ठीक है जिले से बुलवा के देखिए इसको पता होना चाहिए आप लोगों को क्योंकि तुम्हारे थाने में तो अजीत कुमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो अजीत से पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए हाँ सर मैं एक एक चीज जानता हूँ ये भी है वो बोतल क्यों रखे हुए सामने नहीं इधर वो दूसरा ये क्या मान मुकदमा की अलमारी गांजा और सरस है इसमें देखिए कौन कौन सा साल डिस्पोजल कराऊ ना इसको क्यों रखे बैठे हो जिन्यानंद का केस तो कब का हो गया होगा डिसाइड 25 साल 20 साल हो गए 20 साल हो गए भाई और ये मोबाइल सारे वही है जो पकड़े जाते हैं नए पकड़े गए और आगे आइए ऋषि को बुला लीजिए नहीं अपराध के अलावा कुछ करो यार भेज के इसका कम से कम करवाइए ना हाँ जी बेसिकली ये वार्षिक निरीक्षण एक करना होता है डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स का तो उसी के क्रम में आज मैं गोरखपुर में आया हूँ गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक रेलवे ऑफिस का पुलिस लाइन का और एक थाने का गोरखपुर के जो स्टेशन है उसके ऊपर जो जीआरपी का थाना है उसका इंस्पेक्शन है ये एनुअल इंस्पेक्शन उसमें जो जो कमियाँ हैं एक एनुअल इंस्पेक्शन के तहत जो देखी जाती हैं वो सब इनको नोट कराया गया है और इसमें सुधार के लिए इनको कहा गया है जी क्या है जी इधर
एसआरपी गोरखपुर ने, पुष्पांजलि जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं बहुत ही सराहनीय है। क्राइम में काफ़ी कमी आई है और इनके द्वारा प्रोएक्टिव जो पुलिसिंग करी गई है उसके तहत मुझे लगता है कि क्राइम में गिरावट हुई है, प्लस जो अच्छे क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सर, डायल 100 से जोड़ा गया जी, डायल 100 के जोड़ने से प्लस इनका जो टोकन सिस्टम है उससे, प्लस जो इन्होंने क्रिमिनल्स के ऊपर एक अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, पकड़ के जेल भेजे गए हैं, केसेस को सही वर्कआउट कराया है, अच्छे अच्छे अपराधियों को चुन चुन करके उनकी जानकारियां हासिल करके उनके ऊपर निगरानी रखी गई है, फिर इनके द्वारा जितने हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनकी हिस्ट्री शीट खुलवाई है, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कराई है, तो इन सब की वजह से गोरखपुर सेक्टर में अच्छा कार्य हुआ है।